वो कर लेते हैं। जी कर। ऑल ओके है। नाउ वी आर लाइव। अस्सलाम वालेकुम साथियों, आपका डिजिटल सेनेटर आज एक और डिजिटल शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपना ये शो किसी मजहबियत पर, मजहब परस्ती पर या पार्टी के लिए कोई सियासी तौर पर इस प्रोग्राम में हम कुछ नहीं कहते और ना ही किसी की मुखालफत करते हैं, किसी ग्रुप की फेवर करते हैं। हमारा मकसद इस प्रोग्राम को लाने का सिर्फ ये है कि हम पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के लिए ऐसा काम करें कि आने वाले वक्त में हमारा पाकिस्तान, प्यारा पाकिस्तान भी एक डिजिटल वर्ल्ड में खड़ा हो सके। आज मेरे साथ हमारी बहन एमएनए जो के बलूचिस्तान से हैं, मुनव्वरा बीबी बलोच, और मैं वाजे करता चलूं कि मुझे इतनी खुशी हुई ये सुनकर कि हमारी बहन भी डिजिटल हैं और उन्होंने अपनी कैपेबिलिटीज़ को इस्तेमाल करते हुए, अल्लाह ने वैसे तो उन्हें एमएनए बनाया है, माशाल्लाह उनमें बहुत सलाहियतें हैं, मैं बड़ा मुतासर हूं उनकी शख्सियत से, लेकिन आज जो उन्होंने बात की कि नेशनल असम्बली में बैठ कर ये प्रोग्राम कर रही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि साथ साथ इजलास भी अटेंड किया जा सकता है और साथ साथ हमारे इस तरह के प्रोग्रामों को भी देखा जाता है। तो आइए हम अपनी बहन को खुशामदीद करते हैं। मुनव्वरा बीबी बलोच जो हैं ये इस वक्त हमारे साथ हैं, तो गिव हर अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। वेलकम बहन, आपको मैं खुशामदीद कहता हूं हमारे इस डिजिटल प्रोग्राम में। जैसा कि मैंने बताया कि हमारा ये प्रोग्राम गैर सियासी, गैर मजहबी है, मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप 10 मिनट में अपने पास्ट के बारे में, अपने बचपन के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपनी एजुकेशन के बारे में, बलूचिस्तान के एनवायरनमेंट के बारे में जो जो कुछ आपने कहना चाहें 10 से 12 15 मिनट में, ओवर टू यू। आप बिल्कुल हमारे देखने वालों को बताइए और इंशाल्लाह मैं इसमें आपको बिल्कुल तंग नहीं करूंगा। ओवर टू यू बहन, आप इस वक्त लाइव हैं और सारी दुनिया में बहुत से ममालिक में आपको देखा जा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम मुनव्वरा बलोच है, मेरा ताल्लुक कलात से है, मेरी तमाम स्कूलिंग कलात से हुई है, मैट्रिक मैंने कलात में की, मैट्रिक के बाद मेरी शादी हुई क्वेटा मशवानी ट्रेब में, उसके बाद हस्बैंड की ताउन से मैंने अपनी एजुकेशन कंटिन्यू किया। मैंने एफ ए प्राइवेट दिया है क्योंकि वो शादी के बाद वो टाइम होता है जब आप फैमिली और घर को ज़्यादा टाइम होते हैं। उसके बाद मैंने बीए किया, उसके बाद फिर बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से मैंने एमए किया और सियासत मैंने इस तरह शुरू किया कि जनाब मुशर्रफ साहब के दौर में जब बल्दियाती सेटअप हुई तो मैं करियर का आगाज़ वहाँ से किया एज ए काउंसलर। मैं 2008 तक अपने नाम पे सियासत करती आई हूँ। मैं तमाम लोकल बॉडीज़ के जितने भी टेनवर्स रहे मैं उन सब का मेंबर रही हूँ। मैं सूबाई ज़कात काउंसिल का मेंबर रही हूँ। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन रन करती हूँ और मेरे सोशल वर्कर, एज ए सोशल वर्कर बलूचिस्तान के लोग मुझे जानते हैं, मेरी रसाई तमाम डिस्ट्रिक्टों तक है। मैं कोशिश करती हूँ कि बलूचिस्तान में वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करें क्योंकि अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान की वुमेन तो अल्हम्दुलिल्लाह बाइख्तियार है और हमें जो है, मैं समझती हूँ इस्लाम में कुरान के बाद अगर ख़वातीन को कहीं हुकूक मिलता है तो वो सुबह बलूचिस्तान है मिलते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर एजुकेशन के हवाले से देखा जाए तो हम थोड़ा वो ओवरऑल मेल फीमेल एजुकेशन के हिसाब से हम ज़रा पीछे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हेल्थ एजुकेशन और पावर्टी, वुमेन एम्पावर
एनवायरमेंट पे काम करे। तो 2009 में मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन किया। तहरीक इंसाफ के पैनल से मैंने क्वेटा मेट्रोपॉलिटन में एज ए डिस्ट्रिक्ट मेंबर रही हूँ। वहाँ से मैंने डिप्टी मेयर का इलेक्शन भी लड़ा है पीटीआई की तरफ से। तो मैं इमरान खान जनाब वजीर आजम का ममनून हूँ कि उनकी कोशिश और काविशों की वजह से आज मैं नेशनल असम्बली बैठी हूँ। तो मैं एज ए बलोच, मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट कलात से है, मैं मैंगल ट्राइब से हूँ। तो आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं एज ए बलोच उस पाकिस्तान की उस पार्टी का हिस्सा हूँ जो कि पाकिस्तान की तमाम पाकिस्तान में तमाम बसने वाले कौमों की नुमाइंदगी करते हैं। उसमें ना कोई ज़ात है, ना कोई कौमियत है, ना कोई नेशनलिटी है, वो ओवरऑल सबको साथ लेके चलती है। स्पेशली मैं खान साहब की इस बात से मुतासर हूँ कि उसने हमें ये कहा है कि मैं बलूचिस्तान को जो है पंजाब की बराबरी पे लाऊंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुतमईन भी है, बलूचिस्तान के लिए कोशिश भी हो रहे हैं, वो ग्राउंड पर नज़र भी आ रहे हैं। जैसे कि असम्बली में हर तरफ से बलूचिस्तान बलूचिस्तान के नारे गूंजते, तो इससे हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमारा वो हकूक जो 70-72 सालों से हमें नहीं मिला है, वो इंशाल्लाह हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दिलाएंगे। क्योंकि हमने जो फोकस किया है वुमेन एम्पावरमेंट, वो सिर्फ इमरान खान की क़यादत में हो सकते, बाकी मैं नहीं समझती कि कहीं हो सकते। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 5 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं। बेटे मेरे एक ए लेवल्स में है, एक ओ लेवल्स के रहे। बेटी मेरी एक मेडिकल की स्टूडेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ कुरान भी है। बेटी ने मेरी एक ओ लेवल की है, दूसरी बेटी भी मेरी मेडिकल की स्टूडेंट है। और हस्बैंड मेरा पटवारी है और मशवानी ट्रैप से उनका ताल्लुक है। अल्हम्दुलिल्लाह एक हैप्पीली फैमिली आप इसको कह सकते हैं। थैंक यू। हेलो, ने अपना तारुफ कराया, ये बड़ी खुशी की बात है कि आप इस वक्त में हकूमत वक्त की एक्टिविटीज से बहुत मुतमईन हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगा जिस तरह से आपने ये कहा कि बलूचिस्तान एक ऐसा ट्राइब है जो वाकई में ही औरतों की इज्जत करते हैं और वो औरतों को एक अच्छा मुकाम देते हैं। ये तो बड़ी खुशी की बात है। और आपने जो अपनी कारकर्दगी और जो अपना मिशन बयान किया उसमें औरतों के हकूक पर बात करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जैसा कि हमारी आबादी में 60% यूथ है और उसमें अगर देखा जाए ओवरऑल हमारी आबादी में तो 51% प्लस वो वुमेन हैं, औरतें हैं, बच्चियां हैं। आने वाले वक्त में मैं समझता हूं कि अगर हम प्रॉपरली इनको साथ लेकर चलें तो हमारी कौम बहुत तरक्की कर सकती है। मेरा सवाल बहन ये होगा कि आप जैसा कि खुद चीज़ों को देखती हैं, पार्लियामेंट में हैं, आप क्या समझते हैं कि कोविड-19 में ये जो पेंडेमिक आया पूरी दुनिया के लिए, इसमें पाकिस्तान ने कैसे बिहेव किया और आज हम कहाँ खड़े हैं? मैं इस पर बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि दुनिया बदल चुकी है। 2019 की दुनिया और थी, आज की दुनिया और है। आप क्या समझते हैं, हम यहाँ उस जगह पर हैं टेक्नोलॉजी में और आगे आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी की कितनी ज़रूरत होगी? बलूचिस्तान में टेक्नोलॉजी कितनी अवेलेबल है? आप क्या रिकमेंड करेंगी हुकूमत को कि टेक्नोलॉजी बलूचिस्तान में कैसे लेकर आई जाए और ओवरऑल पूल मुल्क में कैसे लाई जाए, इस पर ज़रा बताइएगा। देखिए जी, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ कोविड-19 जो जिस तरह, जैसे कि आपने खुद कहा कि हम इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन सीधा सीधा जो एक दो पॉइंट्स होंगे वो हम ज़रूर मेंशन करना चाहेंगे। ये जिस तरह का पूरे हमारे, मैं बात करूँगी अपनी कंट्री की, हम जिस तरह की सिचुएशन रहे हमारी कंट्री की, आपको पता है कि हमारे हमारी कंट्री में पावर्टी जो है किस हद तक हम लोग देखते हैं कि हमारी पावर्टी किधर है, उस पावर्टी को मद्देनज़र रखते हुए खान साहब ने जो डिसीजन लिया, जो फैसले किया, अल्हम्दुलिल्लाह उससे जो है हमने इस बोरान का बहुत अच्छे से मुकाबला किया। हम अपने लोगों को बेरोज़गार भी नहीं होने दिया, हमने अपने लोगों को भूख से भी नहीं मारा। तो अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब की क़यादत में हमें फ़ख्र है कि हम बड़े कामयाबी से इस बोरान से इंशाल्लाह तकरीबन निकल गए और आगे भी निकलेंगे। मैं आपको यहाँ ज़रूर एक बात मेंशन करना चाहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान का दौर है,
इख्तदार था कि माफिया को इतना मौका नहीं मिला, अदरवाइज ये चीनी और चावल हमें आज 1,000 रुपये किलो मिल जाते, लेकिन ये खान साहब की खाए दाना से लाइए थे जो हम माफियाज को जो है कामयाब नहीं होने दिया। बाकी हम बात करते हैं बलूचिस्तान में, तो जैसे कि आप खुद देख रहे हैं कि बलूचिस्तान वो सूबा है कि वहाँ मतलब ग्राउंड रियलिटी की अगर आप बात करें तो वहाँ इतनी सहूलियत फराम नहीं है। अगर हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी की तो टेक्नोलॉजी तो मतलब बलूचिस्तान को हम, मैं नहीं कहूँगी कि हम कहीं बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के हवाले से पीछे हैं, क्योंकि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो न्यू जनरेशन है, जो हमारे नस्लें हैं, वो कहीं कम नहीं है, वो एबिलिटी और अपने टैलेंट से माला माल है। जहाँ उनको मौका मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह, वो छोटी सी भी जो अपॉर्चुनिटी उनको मिलती है उनको अवेयर करके वो अपने लिए एक बड़ा सा फ़ायदा उनसे ले लेते। बाकी गवर्नमेंट जिस तरह से हमारे लिए टेक्नोलॉजी को फोकस कर रहे हैं उस पर हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हैं और करेंगे भी, क्योंकि मतलब जिस तरह से पिछले 3-4 महीनों में ये स्पेशली जो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुए जिससे बलूचिस्तान के स्टूडेंट महरूम रहे, हमने खान साहब को इस मसले के हवाले से ज़रा सा आइडेंटिफाई किया कराया कि खान साहब ने इस पे अपने कैबिनेट के मीटिंग्स में और अपने कैबिनेट के मेंबरों को भी स्पेशली इस पे बॉन्ड किया कि आप बलूचिस्तान को ख़ास देख लें कि बलूचिस्तान में ये बलूचिस्तान के लोग इन सहूलियात से क्यों महरूम है। मैं समझती हूँ कि टेक्नोलॉजी को हमें पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करेंगे तो हमारे जो आने वाले जनरेशन है वो दुनिया में कहीं भी जाके कम्पीट कर सकेंगे। लेकिन मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान को जो है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपनी पार्टी को जो है ज़रूर यहाँ ये क्रेडिट देना चाहूँगी कि फवाद चौधरी साहब ने जिस तरह बलूचिस्तान को स्पेशली हमारे सूबे को जो कि हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, उसने हमें वहाँ लैब्स दिए, उसने हमें मतलब स्पेशली मैं समझती हूँ कि बलूचिस्तान के उन दूर दराज इलाकों में जहाँ कंप्यूटर लैब आज 21वीं सदी में भी वहाँ कंप्यूटर लैब नहीं थी, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव उसने लिया है कि हम वहाँ टेक्नोलॉजी पहुँचाएँगे। अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैं स्पेशली मेरा ये है कि मैं जहाँ भी बात करती हूँ तो फोकस मेरा अपना सूबा ही रहता है। पाकिस्तान मेरा कंट्री है, पाकिस्तान के बगैर हम कुछ भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के साथ साथ मैं बलूचिस्तान का नुमाइंदा हूँ, क्योंकि मैं बलूचिस्तान की नुमाइंदगी नहीं करूँगी तो मैं समझती हूँ कि मैं उसका हक अदा नहीं कर सकती। तो मैं कह रही हूँ कि बलूचिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इस दौरे इक्तदार में, मैं बार बार इक्तदार इसलिए कहूँगी कि बलूचिस्तान को पिछले 72 सालों से नेशनलिस्टों ने जिस तरह मरकज़ में हाईलाइट किया, पूरी दुनिया में हाईलाइट किया, हमें बेबस और बेकारी समझ के आगे किया, अल्हम्दुलिल्लाह हम वो कौम और वो सूबा नहीं है, हम टैलेंट से, हम दौलत से, हम हर चीज़ से माला माल है। तो मैं समझती हूँ कि बलूचिस्तान के लोगों में कहीं भी टैलेंट की कमी नहीं है, मेल हो फीमेल हो। अगर मेरा एक स्टूडेंट वो ठाट से पढ़ के निकलता है और वो टेक्नोलॉजी की दुनिया में जाके अगर उसको कहीं मौका मिले तो वो जाके दुनिया में कहीं भी कम्पीट कर सकता है टेक्नोलॉजी के हवाले से। तो मैं ये अल्लाह का हम पे ख़ास से एहसान है कि जो हम अल्लाह ने हमें इस तरह और हमारी नस्लों को आइंदा भी इंशाल्लाह इसी तरह नवाजते रहेंगे, क्योंकि जिनका कोई नहीं होता उनका हल्ला ही होता है। तो अल्लाह के बाद खान साहब हमारा वाहिद सहारा है जो बलूचिस्तान को इस टाइम फोकस कर रहा है। बहुत अच्छी बात है बहन, मुझे वैसे भी बहुत खुशी होती है देखिए कि जब हमें अगर अवाम ने मुंतखब करके अवानों में भेजा है तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उनकी आवाज़ बने और उनके हकूक के बारे में अवानों में जाकर बात करें माशाल्लाह। और मैंने तो ये देखा है कि बलूचिस्तान वाले सारे, और ये बहुत अच्छी बात है कि जब कोई बात बलूचिस्तान की आती है तो इकट्ठे हो जाते हैं, ये एक उसकी बड़ी मिसाल इस हकूमत में, हकूमत वक्त में, पीटीआई की हकूमत में, एक अभी जो हमने बलूचिस्तान की सीट्स बढ़ाने के लिए नेशनल असेंबली की प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स बढ़ाने के लिए जो अमल दरामद किया और जो आईनी तरमीम की और जितने स्मूथली तमाम पार्टियों ने उस आईनी तरमीम में हिस्सा लिया, मेरे 5 साल दौर में मैं नहीं समझता कि कोई सी भी आईनी तरमीम, चाहे वो
किसी हकूमत की हो, फर्द वाहिद की हो, किसी पार्टी की हो, कतई तौर पर ऐसा नहीं हुआ जैसा ये हुआ। और हम ये समझते हैं कि आज पूरी कौम, तमाम पार्टियां, तमाम पार्टी लीडर्स, जहां बलूचिस्तान के हकूक की बात आती है वो वहां सब इकट्ठे होकर खड़े होते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई आपके ये कमेंट सुनकर। बहन, अब ये आप क्या समझती हैं कि आने वाले वक्त में जो दुनिया में जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हम कैसे पाकिस्तान में उस टेक्नोलॉजी की तरफ जा सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा सा जरा इसको बताइएगा। देखिए जी, पाकिस्तान वो मुल्क है कि जहाँ टेक्नोलॉजी की हमें बहुत सारे, देखिए आज तक मैं समझती हूँ कि मतलब हमारे जितने भी, जाहिर है ये वो शोबा है, जब तक इसको गवर्नमेंट फोकस नहीं करेगा तो ये आगे नहीं जाएगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल हो गए, आप अपने यूनिवर्सिटीज में देखे, आप अपने तमाम उन शोबे में देखे जहां हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, हम वहां हम अपना टेक्नोलॉजी वहां पहुंचा रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी को हमने फोकस करना है। हम फोकस करने के बाद ही टेक्नोलॉजी, आज आप हर घर में जाके देख लें कि हमें, जब तक हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होगा तो हम कहीं ना पार्टिसिपेट कर सकेंगे ना कहीं, मतलब आप देख लें कि इस टाइम हमारी ज़रूरत बन चुकी है। तो पाकिस्तान अपने लिए कोई ऐसी पॉलिसी इस टाइम बना रहे कि जिस, जाहिर है पॉलिसी जब आप बनाओगे तो उसको इम्प्लीमेंट करते करते टाइम लग जाएगा, और मे भी हो सकता है ये इम्प्लीमेंटेशन आपको अगले 5 सालों में मिले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसियाँ बना रहे, ताकि पाकिस्तान पूरी दुनिया के साथ इन पॉलिसियों के ज़रिए अपने टेक्नोलॉजी की दुनिया को उनकी बराबरी पर ला सके और वहाँ जाके उनके साथ कंपीट कर सके। और इस अमर की हमें ज़रूरत भी है कि हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत ज़्यादा तरक्की करें और आगे जाएं। बहुत शुक्रिया मैम, ये तो बड़ी अच्छी बात की आपने। जैसा कि इमरान खान साहब ने टेक्नोलॉजी को बहुत इम्पोर्टेंस दी है और उन्होंने एक डिजिटल पाकिस्तान के नाम से एक प्रोग्राम दिया, हज़ारों बच्चे बच्चियां जो डिजिटल वर्ल्ड से हैं वो कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद आए और आकर डिजिटल पाकिस्तान का इफ्तिताह हुआ। ये अलहदा बात है कि उसमें कुछ सुप्रीम अपना हाई कोर्ट ने जो पॉइंट आउट किया और कुछ उसमें अभी वो शुरू भी नहीं हुआ तो कुछ मसाइल पैदा हो गए, कुछ करप्शन के चार्जेस आए। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में ये चीज़ें बेहतर होंगी। अच्छा मैम, अब आप ये बताइएगा कि जैसे आप खुद देखते हैं कि जो आपके अपने घर में भी नौजवान बच्चे बच्चियां मौजूद हैं, तो इनके फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए हम क्या करें? आप एक माँ की हैसियत से भी देखती हैं, आप एक पॉलिसी मेकर की हैसियत से भी देखती हैं, पार्लियामेंटेरियन, और बिलखसूस जो प्रैक्टिकली आपने हमारे मुल्क में सियासत देखी है उसको देखते हुए हम क्या कहेंगे, आप क्या सजेस्ट करती हैं किस तरह से हम, मैं चाहूंगा जरा इसको थोड़ा एलैबोरेट करें कि पूरे मुल्क के बच्चे और बिलखसूस बलूचिस्तान के बच्चे बच्चियां जो हैं उनके फ्यूचर को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जरा ये बताइए। देखिए जी, ये जहाँ हम बात करेंगे ना अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, हम अपने बच्चों को उस टाइम बेहतरीन फ्यूचर दे सकेंगे बजरिया टेक्नोलॉजी, कि हम उनको जो है नेगेटिव चीज़ों की तरफ ना ले जाए। इसकी मैं समझती हूँ कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में कोई ऐसी हमें पॉलिसी बनानी चाहिए, स्पेशली वो जो फेसबुक, आपको व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, दूसरे तमाम वो जो आपके पबजी गेम है, ये टिकटॉक है, ये दूसरे तीसरे चीज़ें, मैं समझती हूँ ये एक न्यू जनरेशन को बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। आज मैं ये बात ज़रूर आपके प्रोग्राम की तवासे से मेंशन करना चाहूँगी, क्योंकि ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम है जिसको इंटरनेशनली सारी दुनिया देख रहे हैं। मैं समझती हूँ कि ये टिकटॉक वो है कि आप अपने कबायली मुअज्जिज़ शरीफ घरानों में भी, मतलब उनको मैं नेगेटिविटी की तरफ माइल करने के लिए एक बहुत बड़ा इकदाम है और बहुत गलत इकदाम है। मैं समझती हूँ एज ए माँ, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि अगर मैं, मेरे बच्चे के हाथ में मोबाइल है तो मैं सारे टाइम तो उनके पास नहीं होती। ये वो टेक्नोलॉजी है कि 2 मिनट में भी किसी फैमिली के या किसी कबाइल के या किसी घराने की इज्जत को जो है 2 मिनटों में उछाल सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि इस पे हमें काम करना चाहिए, इसको कोई ऐसा, बेशक ये ओए है, लेकिन इस पे कोई
मैं समझती हूँ कि इसका कोई पैरामीटर होना चाहिए कि ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए। अगर मैं बच्चों की तरफ देखे गेम्स की तरफ, अगर ये पबजी गेम है तो आप देख ले कि हमारे जो न्यू जनरेशन है इस पे क्या असरात पड़ रहे हैं, उनमें बिहेवियर में क्या चेंजेस आई है इस पबजी गेम के हवाले से। तो मैं समझती हूँ ये छोटी छोटी बारीकियाँ हैं जो आज हर घर की और हर फैमिली की मतलब इन पे फोकस्ड है, और वो चाहते हैं कि इनको या तो स्टॉप किया जाए या इनमें थोड़ी सी कमी लाई जाए, ताकि मैं समझती हूँ कि बहुत वो डिप्रेस है स्पेशली हमारे जो तालीमी इदारे में। मेरा आपके प्रोग्राम के तवासे से अपने तमाम स्कूलों और उस टीचर्स के लिए ये मैसेज होगा कि आप स्पेशली अपने तमाम तर स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटियाँ, क्योंकि वहाँ यूनिवर्सिटी लेवल के बच्चे तो इस वो माँ भी हो सकते हैं, वो बाप भी हो सकते हैं, लेकिन स्पेशली मैं समझती हूँ कि स्पेशली इन इदारों में जो है मॉनिटरिंग और चेक एंड बैलेंस ज़रूर होना चाहिए कि आप किसी भी इदारे में जाते हो तो एज ए स्टूडेंट जाते हो, एज ए स्टूडेंट आप पे जब मॉनिटरिंग चेक एंड बैलेंस ज़रा स्ट्रॉन्ग होगा तो उसमें मैं समझती हूँ कि ये नेगेटिव जो हमारे सोसाइटी में आजकल नेगेटिविटी है ये उसको जो है कंट्रोल करने में एक बहुत बड़ा रोल होगा। मैम बहुत अच्छी बात की आपने, मैं इस बात को थोड़ा सा आगे लेकर चलूंगा कि नो डाउट नेट के देखिए दुनिया में जो भी टेक्नोलॉजी आती है, जो भी गेम बनती है, जो भी इवन ये ऐप बनता है, चाहे वो टिकटॉक ही हो या वो पबजी हो या वो इवन डिजिटल लूडो हो, तो अगर उसका प्रॉपर इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर है। लेकिन देखा ये गया है कि जब उसका इस्तेमाल गलत किया जाता है तो फिर वही पबजी अपना खुदकशी का बायस बनती है, उसी टिकटॉक पर जैसे आपने कहा गैर इखलाकी सरगर्मियां होती हैं और नॉन ट्रेडिशनल, अभी जैसे आपने कहा हर खानदान की इज्जत जो है वो कतई तौर पर पामाल नहीं होनी चाहिए, तो आप क्या रिकमेंड करेंगी कि हम किस तरह से कानून साजी करें? आप चूंकि खुद एक कानून साज असेंबली में बैठी हुई हैं तो उस पर आप क्या कहेंगी कि हम किस तरह से कानून साजी करें? और फिर मैं अगला सवाल आपसे पूछता हूँ, इस पर थोड़ा बताइएगा। बहन आपको आवाज आ रही है जी? में वो इंटरनेट साथियों, मैं तमाम देखने वालों से एक गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा इंटरनेट में शायद इशू है और हमारी बहन जो हैं एमएनए हैं और ये इस वक्त में पार्लियामेंट के अंदर तशरीफ फरमा हैं और मेरे ख्याल में सेशन भी हो रहा है, आज का इनका सेशन भी है और साथ ही साथ वो सेशन के दौरान हमें इंटरव्यू भी दे रही हैं। ये भी एक नई इख्तरा है, एक नई जिद्दत है जो शायद ये आपका जो डिजिटल सेनेटर शो है आपके लिए उसकी वजह से ये चीज़ जन्म ली गई है इस चीज़ ने। मैं यहाँ एक बात कहूँगा कि मैं सबसे पहले तो आप तमाम साथियों का जो हमारे इस प्रोग्राम को देखते हैं, बिलखसूस आमना का, आमना ने माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे कमेंट दिए। आज हमारे साथ हैं इरफान अली, फातिमा अजीज़ ने मेरा इंटरव्यू भी किया और माशाल्लाह ये भी एक अच्छी वो हैं और इन्होंने ये लिखा कहा एज वुमेन व्हाट चैलेंजेस डिड यू फेस, तो ये भी मैं अभी इनसे सवाल करता हूँ। और उसके साथ साथ ये नवीद भाई हमारे साथ हैं, नवीद अजहर जंजुआ और चौधरी सज्जाद एडवोकेट साहब हैं जो हमारे बहुत प्यारे भाई हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करूंगा। और मैं तो ये कहूंगा कि देखिए अब हम इसमें और मजीद ऐड करते जाएंगे इंशाल्लाह साथ साथ, वो ये बहन हमारी आ गई हैं। सॉरी बहन, मेरे ख्याल में कुछ इंटरनेट का इशू था जी। बहरहाल इट्स ओके, वी आर यूज्ड टू ऑफ इट, इंशाल्लाह हम अपना टाइम पूरा करेंगे। और आपको बहुत से लोग देख रहे हैं तो हम आपके लिए एक सवाल है आमना की तरफ से कि आपने, सॉरी फातिमा अजीज की तरफ से ये बहन ये सवाल डिस्प्ले हो रहा है एज वुमेन व्हाट चैलेंजेस डिड यू फेस। अब इसको मैं एलेबोरेट कर दूंगा, इन द प्रोफेशनल प्रैक्टिकल लाइफ और पॉलिटिकल सेटअप में आप कौन से चैलेंजेस देखती हैं जो एक औरत को
एक लड़की को पेश आती हैं, तो जरा उनके लिए और आपने उनको कैसे इतना एक मर्दानगी के साथ, मैं ये कहूंगा, उन सब मामलात को आपने अबूर किया और आज आप पाकिस्तान के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हैं, तो जरा काइंडली बताइएगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। देखिए जी, मैं तो फीमेल हम जाते हैं, मैं समझती हूँ कि वहाँ हमें अपने रवैये से, अपने एटीट्यूड से, अपने बॉडी लैंग्वेज से ये चीज़ों को फेस करना होगा। हम जिस तरह हम अपना रवैया रखेंगे तो सामने वाला हमें इसी तरह ट्रीट करेंगे। नो डाउट कि एज ए फीमेल, स्पेशली जिस एज में मैं निकली थी, हमें मुश्किलात तो होंगे और चैलेंजेस तो हमारे सामने आते हैं, लेकिन फिर हमें अपने एबिलिटी के साथ उनको फेस करना होता है, क्योंकि हमने एज ए फीमेल, मैं समझती हूँ कि कहीं हमने हाइपर नहीं होना है, हमें कहीं भी अपने कूल माइंड हो के अपने चीज़ों को खुद, अपने पॉजिटिव जो अल्लाह ने हमें एज ए फीमेल जो हमारे अंदर खूबियाँ रखी है एज ए फीमेल, हमने उसको जो है उसी हिसाब से, ये मेल जो हमारे, जो हमारे जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ, मैं समझती हूँ कि फीमेल जो भी करे उसको हमारे सोसाइटी में इतने आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते। तो जब जिस दिन हम कामयाब होते हैं, सक्सेस होते, तो उस दिन के बाद वो मेल भी हमें एक्सेप्ट करना शुरू कर देते। तो मैं समझती हूँ कि ये मेरी बहन ने बड़ी अच्छी क्वेश्चन की है, हमें एज ए फीमेल तमाम तर शोबों में जाने चाहिए, पार्टिसिपेट करने चाहिए, हमें किसी की हैरेसमेंट से या किसी की रवैये की वजह से हमें अपने आप को जो है पीछे नहीं हटाना चाहिए, हमें मैदान नहीं छोड़नी चाहिए। हम जितना खुद को स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना आगे वाला जो हमारा सामने वाला होगा वो हमें उस हिसाब से फिर ट्रीट करेंगे। मैं समझती हूँ एज ए फीमेल हम जितना स्ट्रॉन्ग होंगे सोसाइटी में उतनी आसानी से हम सफ़र कर सकेंगे। वेरी ट्रू बहन, ये मैं समझता हूँ इट इज़ अ प्रैक्टिकल अप्रोच, जैसा कि आपने कहा कि बहन एक और सवाल है आपका, एंड ये नवीद ने पूछा है जी, I have a question like Miss Munawwara Bibi in politics and did what was not easily possible, but now what step are she taking for the women of Balochistan to give opportunities to the women there to come forward? मैं इसका एक पहले छोटा सा मैम जवाब दे लूँगा नवीद को कि देखिए, मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान की हर जो पॉलिटिकल शख्सियत है, बिलखसूस वो वुमेन ऑफ बलूचिस्तान जो पॉलिटिक्स में आती हैं, आई हैव सीन देम वेरी वेरी डेडिकेटेड। हमारी बहन जो है उनमें से एक हैं, ऑल उनके उनके लोग भी, और स्पेशली ये जो अब वाली जनरेशन चल रही है, माशाल्लाह से, अल्लाह की मेहरबानी से, दे आर सो डेडिकेटेड कि वो पूरे बलूचिस्तान के लिए, अपने इलाके के लिए हर तरह के फंडिंग के पीछे जाते हैं। जिस तरह के मैंने कहा, सीट बढ़ना, आईन में तब्दीली करना, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आईने पाकिस्तान में तब्दीली करना, इट वॉज अ बिग थिंग। सब ने कलेक्टिव मूव की, चेयरमैन सेनेट का उसमें बहुत बड़ा रोल है, जिस तरह से वो सबको इकट्ठा किया उन्होंने, और सादिक संजरानी जब से चेयरमैन बने हैं और बिलखसूस जब वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बनते हैं, तो जिस तरह से वो तमाम पार्लियामेंटेरियंस को, अपने लोगों को, पार्टी के लोगों को जो बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, साथ लेकर चलते हैं, वो तो एक अपनी मिसाल आप है। बहन सिर्फ आप ये बता दीजिएगा कि आपकी अपनी काविशें, आपका अपना मिशन, आपका अपना विजन रिगार्डिंग वुमेन एम्पावरमेंट एंड स्पेशली वुमेन ऑफ बलूचिस्तान वो क्या है, ये हम इनको बताएंगे तो डेफिनेटली पीपल विल बी मोर हैप्पी। मैं अपने भाई को यहाँ ये आंसर करना चाहूँगी कि बलूचिस्तान वो प्रोविंस है, आजकल जो 10 साल पहले लोग जिस तरह से बलूचिस्तान की वुमेन को प्रेजेंट करते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान के वुमेन के लिए मुझ जैसे या मुझसे पहले हमारे पार्लियामेंटेरियंस रहे या हमारे सोशल वर्कर्स रहे हैं एज ए फीमेल जो मैदान में आए, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने बलूचिस्तान में बलूचिस्तान की उन होम बेस्ड वर्कर्स जिन जो घर बैठ के अपने मतलब जो उनकी
घर में जो मसरूफियात होते हैं, जो मैं समझती हूँ कि हमने उनके लिए एक्सपो सेंटर बनाया है, हमने वुमेन वोकेशनल सेंटर्स बनाया है, हमने उनके लिए स्पेशली, मैं आपको बताऊँ, मैं एक बार फिर अगेन अपने लीडर की शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आपके इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से, कि हमने स्पेशली, मैं बलूचिस्तान की उन दूर दराज वुमेंस की जिक्र ज़रूर यहाँ करना चाहूँगी, कि जिनको डिलीवरी की वक्त सहूलत मुयसर ना होने की वजह से मेजोरिटी हमारे इस फीमेल जो है वो मौत की नजर हो जाती है, तो उनके लिए हमने खान साहब से स्पेशली रिक्वेस्ट की कि भाई आप हमें कोई ऐसे एम्बुलेंस सर्विसेज दे दे जो कि हमें इमरजेंसी डिलीवरी में काम आ सके, स्पेशली बलूचिस्तान के उन दूर दराज वुमेन्स के लिए जिनकी जो है हॉस्पिटल्स तक कोई रसाई नहीं होती। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं बलूचिस्तान के वुमेन्स के लिए जो कि मेरे ख्याल में 70-72 सालों में उनके लिए किसी ने नहीं किया है। तो मैं समझती हूँ कि हम जो आए हैं, हमें अल्लाह ने मौका दिया है, तो हम चाहते हैं कि हम औरतों के लिए दरवाजे खोलें, उनके लिए कोई ऐसे इकदाम करें जो हमारे आने वाले नस्लें उनसे मुस्तफ़ीद हो के अपने आने वाले नस्लों को जो है बेहतरीन तालीम और तरबियत की तरफ ले जा सके। मैं समझती हूँ कि स्पेशली जो हमारे एंड एम्ब्रॉयडरीज है बलोचिस्तान के दूर दराज के इलाकों के लिए, उनके लिए मार्केटिंग तक रसाई के लिए हमने मार्केटिंग के लिए पॉलिसी बनाई है, क्योंकि हम जो ग्राउंड रियलिटी हम देखते हैं कि हमारे जो वर्कर्स होते हैं वो बड़ी मेहनत करते हैं, उनको बड़ा छोटा सा मुआवजा मिलता है, और आगे जाके ये मार्केट में जो है माफियाज उनसे जो पैसे कमाते हैं, तो हम समझते हैं कि ये डायरेक्ट जो उनका मेहनत है उनके बल उन फीमेल्स को मिले जिनकी ये मेहनत होती है। तो ये हमारी छोटी छोटी कोशिश है, इंशाल्लाह टाइम तो लगेगा लेकिन इनको जो है इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, अगेन मैं रिपीट करना चाहूंगी कि अपने गवर्नमेंट की तरफ से मुतमईन है कि वो इंशाल्लाह हमें इम्प्लीमेंट करवा के देंगे। बहुत अच्छे मैम, गुड, वेरी गुड, आपने बड़ी अच्छी बात की, हमें भी ये सबक मिला है, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट हमारा जो एक प्रोग्राम है हम उसको वो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर एक ऐसा प्रोग्राम लेकर आएं जिसमें हम ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के जो सक्सेसफुल वुमेन्स हैं, जो पावरफुल वुमेन्स हैं, उनको इकट्ठा करें इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, और उनको लाकर फिर एक दूसरे से हम एक ब्रिज का किरदार अदा करें। और ख़ास तौर पर जैसे आपने कहा, ये ना सिर्फ बलूचिस्तान में बल्कि सिंध में, गिलगित बल्तिस्तान में, हमारे हज़ारा में, टॉप में जो है, और इसी तरह कश्मीर में ये अब वुमेन ऐसा है कि जो हैंडीक्राफ्ट घर में बनाती हैं बच्चियाँ, औरतें, उनके लिए मैं चाहूंगा मैं भी आपके साथ मिलकर, और हम लाइक माइंडेड लोगों को साथ मिलाएं और एक ऐसा प्रोग्राम शुरू करें कि उसकी मार्केटिंग हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर करें, ताकि दुनिया में, अब जैसे अमेजोन के ऊपर उन चीजों को लाकर बेचा जाए तो डेफिनेटली, और उसके जितने पैसे आए वो मैं नहीं रखूंगा, वो मैं अपने बहनों में, अपनी बच्चियों में इंशाल्लाह डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। दिस इज गुड थिंग, आज हमें एक और चीज सबक मिली है, जैसे जिंदगी नाम ही सीखने का है, एक दूसरे से जब तक इंसान जिंदा रहता है सीखता रहता है। बहन, मुझे बहुत खुशी हुई आपका ये प्रोग्राम करते हुए। काइंडली थोड़ा सा ये बताइए कि हम अपने बच्चे बच्चियां जो हैं उनको डिजिटलाइजेशन की तरफ लाने के लिए क्या करें, ताकि उनको प्रोटेक्ट भी किया जा सके, उनको अच्छा एनवायरनमेंट भी दिया जा सके, ये जरा चाहूंगा फोकस करते हुए कि डिजिटल वर्ल्ड में बच्चे बच्चियों को पहले लाया जाए और फिर उनको अकोमोडेट किया जाए, इसको आप कैसा देखती हैं, इसको कैसे किया जाए? देखिए जी, मैं ये यहाँ ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि हम सबसे पहले तो हमने अपने बच्चे और बच्चियों को इक्वल ट्रीट करना है, जहाँ अपने बेटे को आप डिजिटल की दुनिया में भेजना चाहो तो वहाँ अपनी बेटी को भी उसके साथ, ये हमारे मोस्टली घरानों में होता है कि बेटे को जो भेजना पसंद करते बेटी को भेजना पसंद नहीं करते। तो मैं आज आपके प्लेटफॉर्म के तवासे से मैं तमाम अपनी माओ से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने जो आपकी बेटियाँ हैं उनको बेटे बेटा बेटी बराबर इनको जो है आप डिजिटल की दुनिया में भेजो। अगर आपकी बेटी डिजिटल की दुनिया में जाएंगे, हम उनको ये मौका फराहम करेंगे, तो मैं समझती हूँ कि हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियाँ वो है जो हमें डिजिटल दुनिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि आज अगर आपकी बच्ची तरक्की करके डिजिटलाइज दुनिया में जाएंगे तो आपके लिए, मैं समझती हूँ,
क्योंकि वो टेक्निकल चीज़ें स्पेशली हेल्थ के हवाले से हमारे लिए लाएंगे, क्योंकि मैं समझती हूँ कि हमारी बेसिक नीड्स वहाँ से स्टार्ट होते हैं कि हमें जैसे हमारी जो डिलीवरी के टाइम पे हमें डिजिटल चीज़ें मतलब आसानी से हमें फ़ायदा दे सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि हम अपने बच्चों को कि बेस इसी तरह बनाएं कि हम पॉजिटिव वे में अपने बच्चों को जो डिजिटल दुनिया में भेजे, और डिजिटल इस टाइम जो डिजिटलाइज हम अपनी चीज़ों को करने की तरफ ले जा रहे हैं, ये इस वक्त की ज़रूरत है कि हमें उस तरफ जाने की ज़रूरत है। बहुत अच्छी बात कीजिए आपने, और मुझे आपकी ये स्टेटमेंट बहुत अच्छी लगी कि लव योर डॉटर्स। ये बहुत अच्छी बात है बहन, चूंकि मुसलमान का ईमान है इस बात पे, और मैं भी एक बाप की हैसियत से ये समझता हूँ कि हमारी बच्चियाँ बहुत मासूम हैं, और हम उनकी जितने अच्छे तरीके से केयर करें, परवरिश करें, ये हमारा फर्ज भी है, और उसी में हमें सुकून भी मिलेगा, राहत भी मिलेगी। मैम वेरी नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। आप आखिर में अगर अपनी तरफ से कोई पूरी कौम को पैगाम देना चाहें, यू आर वेलकम। हमारा प्रोग्राम यही 35 से 40 मिनट का होता है, तो आप जिस तरह से चाहिए देख लीजिए, अगर कोई पैगाम हमारी कौम को, हमारे बच्चों को आप देना चाहें तो यू आर वेलकम, प्लीज़। आप मेरा पैगाम अपने पूरे दुनिया के बच्चे बच्चियों के लिए, आपके जो प्रोग्राम का नाम ही डिजिटल से मुंसलिक किया है, तो मैं डिजिटल दुनिया के लिए के बच्चों के लिए ये पैगाम देना चाहूँगी कि माय पेरेंट्स जो आपको फैसिलिटीज़ देते हैं, जो आपको फैसिलिटेट करते हैं डिजिटल की दुनिया में, तो आप जो है उनको अपने आने वाले फ्यूचर के लिए पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करें, और ये नहीं कि आप डिजिटल के थ्रू आप किसी ऐसे नेगेटिव रास्ते की तरफ जाओ जहाँ से माँ बाप को भी परेशानी और आपकी भी फ्यूचर डार्क हो और आप भी कामयाबी की तरफ ना जाओ। तो मैं समझती हूँ कि ये डिजिटल दुनिया जो है जहाँ हम अपनी लाइफ को डिजिटलाइज की तरफ ले जाते हैं, अगर हम पॉजिटिव वे में जाए तो हम बहुत तरक्की करेंगे, बहुत आगे जाएंगे। तो ज़िंदगी के किसी भी शोबे से अगर हम नेगेटिविटी को निकालेंगे तो इंशाल्लाह हमारा सक्सेस हमारा होगा और हम कामयाबी की तरफ जाएंगे। बहुत आपका मेहरबानी, शुक्रिया कि आपने हमें अपने प्रोग्राम में बुलाया, और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपके साथ हम जो मिलके ग्राउंड रियलिटी के जो इश्यूज है उन पे जरूर टॉक करते रहेंगे। बहन मेरी एक गुजारिश होगी आपसे, हम 14 अगस्त को एक डिजिटल पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियंस समिट करा रहे हैं, और उसका मकसद सिर्फ यही है कि हम अपने वो पार्लियामेंटेरियंस के जो डिजिटल वर्ल्ड को समझते हैं, वो लाइक माइंडेड लोग दोनों हाउसेस से, नेशनल असेंबली से, सेनेट से इकट्ठे हों, और इकट्ठे होने के बाद वो अपनी एक कलेक्टिव विजडम, कलेक्टिव पावर के साथ मूव करें, ताकि आने वाले वक्त में हम चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेकर जाएं। आपसे गुजारिश होगी कि आप भी एक थोड़ा सा टाइम निकाल के 5 से 10 मिनट यही बातें, जो 3-4 बातें हैं, अगर आप उस प्रोग्राम में करेंगी तो पूरी दुनिया उसको देख रही होगी, और बिलखसूस जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस है, मेरी ख्वाहिश है प्राइम मिनिस्टर साहब भी उसमें आए, प्रेसिडेंट साहब ने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है, चेयरमैन सेनेट वहाँ होंगे, स्पीकर नेशनल असेंबली होंगे, मिनिस्टर साहिबान होंगे, और ये इंशाल्लाह पाकिस्तान की हिस्ट्री का, डिजिटल वर्ल्ड का पहला स्टेप होगा। जैसा कि मैं आपसे शेयर करूंगा कि अल्लाह का शुक्र है आपका भाई जो कि डिजिटल सेनेटर है, मैंने और मेरी टीम ने पाकिस्तान की तारीख में जो अपना हमारे पार्लियामेंटेरियन सेनेटर हैं उनका एक डिजिटल वेबिनार कराया अप्रैल के महीने में, उस वक्त में जब ओपोजिशन ने टोटली इनकार कर दिया था कि हम ना तो कोई वेब मीटिंग करेंगे, ना ही कोई किसी जगह पर वर्चुअल असेंबली में बैठेंगे, तो बहरहाल फिर भी अल्लाह ने मेहरबानी की, हमने वो किया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी उसको बहुत सराहा, मिनिस्टर आईटी ने, हमारे ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बहुत से मिनिस्टर ने जो विजन रखते हैं उसको देखा। आपसे गुजारिश होगी कि आप भी हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाइएगा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ो नासिर। अब मैं आपको बैक स्टेज पे ले जाकर, अगर आप रुकना चाहें वेलकम, अगर आप जाना चाहें यू आर मोस्ट ओके, और मैं फिर जरा थोड़ा सा इस प्रोग्राम को कंक्लूड करूंगा, और जो साथी इसको देख रहे थे उनका शुक्रिया अदा करूंगा।
बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाएं। और साथियों जैसा कि आपने देखा, देखिए अल्लाह ने हमारे यहाँ कितना टैलेंट दिया है, अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पर इवन पार्लियामेंटेरियंस भी, ये जो कहना कि हमारे सियासतदानों का कुछ पता नहीं, हमारे सियासतदान जो हैं वो शायद टेक्नोलॉजी के फेवर में नहीं है या वो इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, बट आई पर्सनली फील इज के जैसे हम सब इंसान जो हैं वो किसी भी अच्छाई के पीछे चलते हैं। वो हम बचपन में सुनते थे कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, अब वो ये वाक्य में ही ये घंटी बांधने वाली बात थी। तो आपके इस भाई ने, डिजिटल सेनेटर ने, अल्लाह की मेहरबानी से ये घंटी बांध दी है और आज हम इस जगह पर आ गए हैं कि बहुत से वो लोग जो मेरे प्रोग्राम को देखते हैं, वो ऑर्डिनरी मींस वो दे आर एमएनएस, दे आर सेनेटर्स, दे आर पार्लियामेंटेरियंस, और वो ये कहते हैं कि हमने आपके प्रोग्राम में आना है ताकि वो आकर अपना आप पूरी कौम को बताएं। और जैसा कि आज से हमने नया सिलसिला शुरू किया है, हम आपके सवालात उनसे ज़रूर पूछेंगे। आपको ये हक है कि आप अच्छे अल्फाज में जो कुछ भी पूछना चाहें। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपने जो मिनिस्टर्स हैं उनको लेकर आ रहे हैं और मैं शुक्रिया अदा करूंगा। अभी हमें आतिफ सिंधु ने ज्वाइन किया है और ये मोहम्मद हसन भाई लिख रहे हैं, ऑफ कोर्स आवर पॉलिटिशियन डोंट नो अबाउट टेक्नोलॉजी और द इम्पॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। नो ब्रदर, आई डोंट थिंक सो, दिस इज व्हाट द मैटर इज, कि जिसमें शायद उनको अपना एक्सप्रेस करने का मौका नहीं मिला, बट देर इज वन थिंग, व्हेन वी मूव टुगेदर एंड विद अ कलेक्टिव विजन दिस बिकम अ पावर। थैंक यू वेरी मच नसीर, आपने ग्रेट ब्रदर, माई ब्रदर इज, और आमना एक बार फिर आपका शुक्रिया, आपने आज बहुत सी चीज़ें लिखी और दुआ की मेरे लिए। ताहिर भाई आप भी हमारे साथ थे और ख़ास तौर पर हमारे वकील साहब जो हैं, अपना साजिद भाई, सजाद भाई, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा। शुरू में हमारे साथ फातिमा अजीज़ ने एक ही कमेंट किया, बट आई पर्सनली फील दैट वॉज रियली वंडरफुल कि हम जो अपनी वुमेन्स हैं जो पार्लियामेंट में हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको इस तरह से आगे लेकर आए। चूंकि मैंने जहां तक मैं जितने लोगों को मिला हूं सबके साथ यही है, दे रियली वॉन्ट टू सर्व द नेशन, द वुमेन ऑफ द नेशन, दे वॉन्ट टू गो फॉर टू स्ट्रेंथन द एम्पावरमेंट ऑफ हमारी जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसके लिए काम करना चाहती हैं, तो हम सब उनके साथ हैं। इरफान आप भी हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया। आखिर में अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, थैंक यू वेरी मच। बैनर इधर, बैनर्स में आ गए।